थाने पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रात के समय हथियार के बल पर राहगीरों और होटल मालिकों और सार्वजनिक शौचालय के मालिकों को अपना शिकार बनाते थे। इनसे जबरन चोरी की घटना को अंजाम ये लोग दिया करते थे। इनकी शिकायत जब पुलिस को मिली तो यूनिट दो ने नौशाद उर्फ अतीक हलीम अंसारी और इमार अख्तर सैयद को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों भिवंडी के रहने वाले हैं जो रात के समय जबरन चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से दो देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 9 धारदार हथियार और 15 मोबाइल फोन के साथ बरामद की। थाने पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत भिवंडी यूनिट 2 जो क्राइम ब्रांच का है, उन्होंने उनके सीनियर PI सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक जख्मी जो आरोपी है उसको हॉस्पिटल लिया जा रहा है। तो ये जब इन्फॉर्मेशन मिली तो ACP डिटेक्शन 1 सोनोने साहब और उनका जो यूनिट 2 का यूनिट है, उन्होंने वहाँ पे वो जो ऑटो था उसको पकड़ा। उसमें ऑटो में ये 3 आरोपी, एक आरोपी भी जो जख्मी था उसको लेके हॉस्पिटलाइज करने के लिए जा रहे थे। जब इनको पकड़ा, उनका हाउस सर्च लिया गया, तो हाउस सर्च में जो दो कट्टे रहते वो वहाँ से बरामद हुए। लगभग 10 के आसपास ये चाकू और छुरिया उसके पास से बरामद हुए और लगभग 13 मोबाइल वहाँ से बरामद हुए। तो इनका इन्वेस्टिगेशन आगे करते वक्त ऐसा पता चला कि ये जो आरोपी मेन जो नौशाद अंसारी है, और इसके ऊपर पहले लगभग 8 गुने दाखिल थे जिसमें रॉबरी और अटेम्प्ट टू मर्डर है, जिसमें कोई शनाख्त नहीं हुई थी, डिटेक्शन नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस उसने कबूले और लगभग 8 ऑफेंसेस इसमें अभी ओपन हुए हैं। तो अभी जो उसका मोडस था वो थोड़ा सीरियस था, वो चाकू से या छुरी से विक्टिम के ऊपर हमला करके जो उसके पास कुछ पैसा है या कुछ जेवरात है वो वहाँ से लूट ले रहा था। तो अभी ये जो आरोपी हमारे ताबे में है वो अभी हमें पिशार में भी है। अभी आगे जाके इनके ऊपर कोई एक मोटी प्रिवेंटिव एक्शन भी हम प्रपोज कर रहे हैं, और भी कुछ इसमें गुने उगड़ के आने की संभावना है तो उसके हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या क्या, ये नशे का आदमी था जो लोगों पर हमला करता था? थोड़ा सा इसमें पाया जा रहा है कि ये जो मेन आरोपी है वो थोड़ा नशा करता था और नशे में भी ये काम करता था, और जो भी कुछ पिट्टी मनी या कुछ ऐसे जेवरात मिलते थे वो बेच के वो गुजारा करता था।